मतलब जी की हाल चाल तुहाडा। नहीं 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 कपड़ों से कंफ्यूज मत होना, कपड़े चाहे मैंने पू के वार्डरोब से उठाए हो पर पीछे देखिए चांदनी चौक की गली, क्योंकि अंदर से तो हूँ ना मैं पूरी K3G की अंजलि। आज K3G एज इन कभी खुशी कभी गम को 17 इयर्स पूरे हो गए हैं एंड व्हाट एन इन्फ्लुएंस दिस फिल्म हैज हैड ओवर सो मेनी लाइव्स, मेरी भी। थैंक यू करण जौहर फॉर द आइकॉनिक कैरेक्टर्स। तो बस यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ आप लोगों से पूछूंगी 11 सवाल, उसके साथ दूंगी 3 ऑप्शंस और 10 सेकंड, जी हाँ दूंगी। ओ ब्रा होने वाला है आज तो, बहुत सॉर्टेड सीन है। जब आपने दे दिए सारे सवालों के सही जवाब तो आप कमा लेंगे अपना शेयर ऑफ 1 लाख रुपीज। जी बिल्कुल, अब मेरे अंदर की अंजलि को थोड़ा सा शांत रखते हैं। मैं हूँ फरजीन, वेलकम टू ब्रेन बाजी, जीतू मैं जीते इंडिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो होता है कल नायक सवाल। आपको इस सवाल का एकदम सही जवाब देना है बिना लाइफ यूज किए, तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ फरजीन दे देगी, पक्का दे देगी। और उसके बाद होता है रनर्स अप सवाल, जो कि होता है हमारा 10th क्वेश्चन, उसका भी देना सही जवाब बिना लाइफ यूज किए, तो आप कमा सकते हैं 30,000 रुपीज में से अपना शेयर। और एक चीज बताऊं, प्रो कबड्डी लीग चल रहा है और फिलहाल चल रहा है पिंक पैंथर्स एंड पुनेरी पल्टन के बीच में मैच, 21-9 स्कोर हो रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस है, तो आप उसमें भी ध्यान देना। अभी यहां पर ध्यान लगाइए क्योंकि ये एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी शुरू होने वाला है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 29,000 से भी ज्यादा लोग, ब्रेन बाज होपफुल्स। आप जीतने वाले हैं आज, फिरजीन एकदम तैयार है, पहला सवाल एकदम तैयार है आप सबकी स्क्रीन पर, ये रहा। अगर आप रांची में बैठ के कथक देख रहे हैं तो आप किस राज्य में हैं? केरला, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? आपको पता है बचपन में मैंने कथक सीखा था, मेरे गुरुजी ने फर्स्ट डे हमें कच्चे चने चबाने के लिए दिए और कहा कि जितना डिफिकल्ट ये है वो ही उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो बस आपको ये बताना है कि कथक अगर आप देख रहे हैं झांसी में तो आप कहाँ पर हैं। और ये जो डांस फॉर्म है वैसे तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है बट बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और मेरे जो गुरुजी थे वो भी उत्तर प्रदेश थे और जवाब भी उत्तर प्रदेश ही है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने दिया है एकदम सही जवाब। पंडित बिरजू महाराज, जो बाजीराव मस्तानी और देवदास जैसी मूवीज में कोरियोग्राफी कर चुके हैं, वो बहुत ही फेमस कथक प्लेयर हैं। और पहला मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो है मेरे पास बहुत ही बढ़िया कथक डांसर की, आपको दिखाऊं? दिखा देते हैं यार, ये देखिए मयूर की बहन है, उनको भी कथक का शौक है और क्या बढ़िया डांस कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन 2 की तरफ, हमारे साथ आगे बढ़ रहे 20,000 से ज्यादा लोग और जुड़े हुए हैं 31,000 से भी ज्यादा लोग। क्वेश्चन 2 ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी एकदम तैयार, आपकी स्क्रीन पर मैंने डाल दिया। किस ब्रांड की टैगलाइन है द कंप्लीट मैन? इज इट सिया राम्स, रेमंड या फिर ओनली वेमर? ऐसा ही होता था उनके एड में। वैसे ये तो आप भी मानेंगे कि प्रोडक्ट्स की टैगलाइंस मेक और ब्रेक द ब्रांड इमेज, परसेप्शन बदल जाता है यार, विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू कि क्या टैगलाइन होनी चाहिए। फिर भी जब ये तो बड़ा टॉइंग है, जैसे टैगलाइंस आ जाते हैं मार्केट में, जस्ट मेक्स मी वंडर समटाइम्स। और कुछ टैगलाइंस इतने ज्यादा आइकॉनिक हो जाते हैं कि ब्रांड से सिनोनिमस हो जाते हैं, जैसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही रेमंड द कंप्लीट मैन। सही जवाब आप समझ चुके हैं, रेमंड इज द आंसर। इनके एड्स में अक्सर आपको लोग दिखेंगे सूट का ऐसे मटेरियल अप्रिशिएट करते हुए, काफी स्ट्राइकिंग विजुअल है। सही जवाब दिया 16,000 से ज्यादा लोगों ने, 701 लोगों ने की है लाइफ यूज। और आगे हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी और हमें 30,000 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आ गया। इनमें से किसने कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीता? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नेल्सन मंडेला? नोबेल प्राइजेस एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इंडियन लिटरेचर और म्यूजिक में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर, नेल्सन मंडेला एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी और इन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज मिला था? जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी को 13 बार पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया पर कभी भी नोबेल प्राइज मिला नहीं। सही जवाब दिया 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने, मैंने चीट कोड में भी बताया था वैसे इसका जवाब, 400 से ज्यादा लोगों ने की है लाइफ यूज। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, हमें देख रहे हैं 30,000 से भी ज्यादा लोग। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। फ्लैश 300 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 30 किलोमीटर्स, 3,000 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर्स? फ्लैश, जिसके नाम से ही आप इस सुपर हीरो का सुपर पावर तो समझ ही गए, सुपर स्पीड,
अच्छा एक बात बताइए, इफ यू हैड सुपर स्पीड आप क्या करते? मैं बताऊं, मैं हमेशा लेट उठती एंड फिर भी हर जगह टाइम पर पहुंचती। आई थिंक पंक्चुअलिटी जो है ना एक आर्ट है जो आई विश ज्यादा लोगों को आता। टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का, अभी जवाब बताने का। सही जवाब है 3 किलोमीटर्स। यप, सिंपल मैथ्स फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रायंगल में याद करते थे, याद है ये वाले फॉर्मूले? फ्लैश की स्पीड इज 300 मीटर्स पर सेकंड एंड टाइम है 10 सेकंड्स, तो उसने 3000 मीटर्स कवर किए, दैट्स इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। सही जवाब दिया 8000 से ज्यादा लोगों ने और 11000 से ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 और फिलहाल हमें 29000 से भी कई ज्यादा लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 आप सबके लिए ये रहा, हम बॉलीवुड में निर्मला किशन चंद साधु सिंह नागपाल को कैसे जानते हैं? रेखा, आशा पारेक या फिर सरोज खान? बॉलीवुड में कई लोगों का स्क्रीन नेम और रियल नेम अलग अलग होता है। ए आर रहमान का असली नाम है D.S. दिलीप कुमार और दिलीप कुमार जी का असली नाम है यूसुफ खान। ऑप्शंस की बात करें तो रेखा, द एवरग्रीन मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जिनके अवार्ड शो लुक्स के लिए ना पापराजी ऐसे मोस्ट एक्साइटेड फिरती है। आशा पारेख जिन्होंने कटी पतंग और मेरा गांव मेरा देश जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स की थी। पर जवाब सरोज खान है, दैट्स द राइट आंसर। अगर किसी एक्टर के करियर में उन्होंने सरोज खान से कोरियोग्राफ्ड एक गाने में परफॉर्म नहीं किया तो मेरे हिसाब से करियर थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। इनका शादी से पहले नाम था निर्मला सिंह नागपाल, ये बात बताती 8000 से ज्यादा लोगों को। 581 पीपल हैव यूज्ड देयर लाइफ और फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। 28900 से भी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 एकदम तैयार है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब विराट कोहली ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी बनाया था तब किसने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें दे दिया था? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर या फिर सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली जो कि है करंट कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम और इन्होंने अपना फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी बनाई थी ईडन गार्डन्स कोलकाता में इन 2009 अगेंस्ट श्रीलंका। इस मैच में इन्होंने 107 रन्स बनाए थे और श्रीलंका ने 315 रन्स स्कोर किए थे और गौतम गंभीर ने इस मैच में 150 रन्स बनाए थे और वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, बट उन्होंने अपना अवार्ड कोहली को प्रेजेंट कर दिया था। सो गौतम गंभीर इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सही जवाब दिया 8000 से ज्यादा लोगों ने, क्या बात है। और अभी मैच वगैरह की बात हो रही है तो स्पोर्ट्स की बात भी मैं बता देती हूँ आपको कि प्रो कबड्डी लीग चल रहा है और अभी का पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन का मैच 25-13 का स्कोर चल रहा है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वाले मैच में आपको जीतना है ना ब्रेन बाजी के मैच में। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए 28000 से भी ज्यादा लोग और क्वेश्चन नंबर 7 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एस्टैब्लिश किया था? नवजीवन, यंग इंडिया या फिर इंडियन ओपिनियन? आपको पता है महात्मा गांधी ने अपने लाइफ के 21 साल साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए और वहाँ भी सिविल राइट्स मूवमेंट में पार्ट लिया। जो लोग कहते हैं ना कि एक इंसान से क्या हो सकता है, क्या कर सकता है एक इंसान, आई वुड लाइक टू से थिंक अगेन। अच्छा वैसे तीनों ऑप्शंस गांधी जी ने ही शुरू किए हैं, नव जीवन तो रिसेंटली कांग्रेस ने रीलॉन्च भी किया था, यंग इंडिया वीकली जर्नल इंडिया में ही शुरू किया गया था। सो द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में शुरू किया टू फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड विन सिविल राइट्स फॉर द इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ह्यूमन बींग। सही जवाब दिया 7000 से ज्यादा लोगों ने और 331 लोगों ने की है लाइक यूज। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। 28000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 8 ये रहा, अगर पाकिस्तान में इसे एवन ए सदर कहते हैं, इंडिया में क्या कहा जाता है? भारत रत्न, पार्लियामेंट हाउस या फिर राष्ट्रपति भवन? इंडिया और पाकिस्तान में कई चीज़ें कॉमन है, नेचुरली टेरेन, क्लाइमेट, लोगों का पहनावा, खाना, जैसे यहाँ जामा मस्जिद के कबाब्स है वैसे ही वहाँ कराची में वहीद के कबाब्स बहुत फेमस है। जैसे हम हिंदुस्तानियों का रिलीजन है क्रिकेट, इट्स क्वाइट सिमिलर देयर इज वेल। ट्रैफिक का सीन वहाँ भी उतना खराब जितना यहाँ पर और वहाँ का एवन ए सदर इज लाइक राष्ट्रपति भवन इन इंडिया, दैट्स द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है और ये तो आप जानते ही हैं। सही जवाब दिया 1082 लोगों ने, पार्लियामेंट हाउस के साथ कंफ्यूज हो गए बहुत सारे लोगों ने दे दिया है गलत जवाब। तो इस सवाल पे आ जाते हैं गब्बर, ये बनता है हमारा आज का पहला गब्बर सवाल। अच्छा राष्ट्रपति भवन तो सब जानते हैं और आपने देखा भी होगा, बट बड़ी मेहनत से मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, मेरे दोस्त ने शूट किया था राष्ट्रपति भवन ऑन इंडिपेंडेंस डे, वो भी रात को। इतना बेहतरीन दिखता है, इतना बेहतरीन दिखता है, ये देखिए।
That's a hyperlapse, by the way. 4,299 people ने दिया मतलब इस सवाल पे वो रहे पर ये जो सवाल है अगला वाला वो तो सबके सब अटेम्प्ट करेंगे ना क्योंकि ये है हमारा कल नायक सवाल 28,265 people can attempt this question और दे दिया सही जगह बिना लाइफ यूज किए तो एक एक्स्ट्रा लाइफ आपकी जो आप पोलबाजी में भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये रहा तीजन बाई छत्तीसगढ़ के किस फोक थिएटर की महारती हैं भटियाली लावनी या फिर पंडवानी इंडिया में थिएटर कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है हम बहुत ज्यादा रिच है नाटक एंड फोक थिएटर तो वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी था इन सो मेनी स्टेट्स तीजन बाई एक ट्रेडिशनल परफॉर्मर है जिन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी एट द एज ऑफ 13 इनके टैलेंट को स्पॉट किया था फेमस थिएटर पर्सनालिटी हबीब तनवीर ने एंड तब इन्होंने इंदिरा गांधी के सामने भी परफॉर्म किया था पंडवानी इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर ऑफ द कल नायक सवाल सही जवाब दिया 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने और क्योंकि दिया सही जवाब बिना लाइफ यूज किए तो कमा चुके हैं एक एक्स्ट्रा लाइफ और ये एक फोक सिंगिंग स्टाइल है जिसमें महाभारत की टेल्स को नरेट किया जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस 29 लोगों ने की है लाइफ यूज क्या बात है जी 4,079 पीपल विल अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो की है हमारा रनर्स अप सवाल पर उससे पहले आपको पता है कि इसका सही जवाब दे दिया आपने तो आप कमा सकते 30,000 रुपीज में से अपना हिस्सा और अभी प्रो कबड्डी लीग के भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं बिटवीन जयपुर एंड पुणे तो बस आप उस पर भी इंटरेस्ट दिखाइएगा और यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिएगा तो पैसे जीत जाएंगे क्वेश्चन 10 ऑन योर स्क्रीन नाउ 49 एयरक्राफ्ट्स के फ्लाई पास्ट से किसको ट्रिब्यूट दिया था फॉर देयर 49 इयर्स सुब्रत मुखर्जी के एम करियप्पा या फिर एसपी इंजीनियर तीनों ऑप्शंस ही फेमस आर्मी पर्सनल थे के एम करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करते थे तब भी इन्होंने कई रिफॉर्म सजेस्ट किए थे फॉर इंडियन प्रिजनर्स एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस एयर मार्शल एसपी मर्विन इंजीनियर थे ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स जवाब लेकिन ये दोनों नहीं है जवाब है सुब्रत मुखर्जी फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे थे और ये टोक्यो में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे एंड देन एक पीस ऑफ वुड इनके विंडपाइप पे फंस गया था तो लीडिंग टू हिज एक्सीडेंटल डेथ सही जवाब दिया 3,526 लोगों ने क्या बात है बिना लाइफ यूज किए दिया है सही जवाब तो आप कमा चुके हैं 30,000 रुपीज में से अपना हिस्सा फिलहाल आगे बढ़ रहे 3,555 पीपल टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी दैट यू आर प्लेइंग ऑन द बाजी नाउ ऐप विथ मी फरजीन क्वेश्चन 11 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा इंडिया ने कभी भी टेस्ट मैच नहीं हारा जब डैश ने सेंचुरी स्कोर की अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा या केएल राहुल आज से ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड टेस्ट शुरू हुआ है दूसरा टेस्ट मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 277 पे 6 आउट इंडिया की बॉलिंग में देखा जाए तो 2 विकेट ईशांत शर्मा ने ली 2 हनुमा विहारी ने और 1 विकेट उमेश यादव और 1 बुमराह ने अजिंक्य रहाणे है वैसे सही जवाब ऑफ द फाइनल क्वेश्चन रहाणे ने 8 टेस्ट मैचेस की 9 इनिंग्स में सेंचुरी लगाई है और वो सभी इंडिया ने जीती है मेरी कमेंट्री आपको कैसी लगी वो पहले वाली वो मुझे बताना फिलहाल मैं बताती हूँ कौन कौन जीत चुके हैं 674 पीपल हैव आंसर्ड दिस वन करेक्टली 293 पीपल हैव यूज्ड देयर लाइफ 967 लोग बनते हैं आज के सुपर प्राउड ब्रेन बाजीगर्स तो आप सबके लिए सेलिब्रेशन तो बनती है बॉस अच्छा सुनो फोटो खींच ली भेज दो फिर यार बाजी नाउ इज आवर हैंडल ब्रेन बाजी हैशटैग यूज कर लेना या हैशटैग पोल बाजी या हैशटैग बिंगो बाजी नाउ हैंडल है वो आपको पता है तो हमें आपके फोटोज बहुत इजीली मिल जाएंगे हम आपको हर जगह बहुत इजीली मिल ही जाएंगे फिलहाल मुझे मिल चुकी है लिस्ट ऑफ विनर्स कांग्रेचुलेशंस मधु आशीष पारो क्या बात है पारो डीके मोदी आप वापस जीत गए वेरी वेरी नाइस सो प्राउड ऑफ यू क्विज खलीफा नवतेज बेजी दीपक सुब्रता बीरबल जिंग जिंग भी जीता है जिंग जिंग है ना वही नाम है वाओ आकाश वेरी वेरी नाइस वेरी 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 प्राउड ऑफ यू ऑल तो बस 72 रुपीज मिले हैं आपको अपना 11 सवालों का हिस्सा मिल चुका है बहुत बहुत मुबारक है तो अगले गेम भी खेलना उसमें भी अपना लक आजमाना और अपना स्किल दिखाना 9 PM खेलिए पोल बाजी उसके बाद कल खेलिए 4:30 बजे बिंगो बाजी 8:30 बजे कल खेलिए ब्रेन बाजी डबल धमाका और 9 बजे कल खेलिए पोल बाजी अगेन और अभी किधर को चलिए चीट कोड लेकर आ रही हूँ मैं सी यू ऑन द अदर साइड ब्रेन बाजी चीट कोड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स मुबारक है
आज की चाय आपके नाम। ओके, आपको तो पता है यार कितने सारे टाइप होते हैं चाय के। मैं बताती हूँ, मैं ना चाय की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल नेशनल टी डे है यार। कश्मीर में तो सोडा ऐड करके पिंक चाय बनाते हैं, जिसे कहते हैं नून चाय। तिब्बत, नेपाल और भूटान में ना चाय में बटर ऐड कर देते हैं टू मेक अ पॉपुलर ड्रिंक। मेरी चाय में चीनी 2 चम्मच एंड आई एम गुड। मयूर की चाय में उनको इलायची और बाकी सारे खड़े मसाले सब पसंद है उनको। चलिए, अभी ये सारी चाय की रेसिपीज आप याद रखना, कल के गेम में एंड इन जनरल काम आ जाएंगी। मैं जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट व्हेयरएवर यू आर, होप इट्स हैप्पी जस्ट लाइक मी। BrainBaazi cheat code.